आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर में सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़क मार्गों की मरम्मत के लिए 41 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद अनुराग ठाकुर का धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर नरेंद्र ठाकुर ने पूर्व विधायक पर भी हमला बोला। ऐसा है, कल ही हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें हमारे जो भूतल और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री गडकरी जी हैं, उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 रोडों की देख रेख के लिए व वाइडनिंग के लिए, जो कि बड़े पहाड़ी और टाइट रोड थे, लगभग 41 करोड़ रुपया जो वो मंजूर किया है। इसके लिए मैं अनुराग जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से माननीय गडकरी जी ने और माननीय मोदी जी ने ये 3 रोडों को जो पैसा जो वो मंजूर किया। मैं अपनी तरफ से, अपने मंडल सुजानपुर की तरफ से, बस सुजानपुर के लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से इन 3 नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शिलान्यास और पूजा करने का ये क्या मामला था? इसमें ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं और उनको एक भूमि पूजन करने का बाद शिलान्यास करने का एक फोबिया हो गया है। जो MLA प्रायोरिटी की सड़कें हैं और जो MLA निधि का जो कोई काम हो रहा है, वहाँ भी जाके वो लोगों को गुमराह करके वहाँ भी जाके शिलान्यास कर जाते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक हैंडपम्प का उद्घाटन करने के लिए चेयरमैन या MLA चला जाए, तो इससे बड़ी नीचता और कोई नहीं हो सकती है। जब एक सड़क बन चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है, उसका भूमि पूजन हो चुका है, अगर दोबारा उसकी रिपेयर हो, क्या रिपेयर के लिए दोबारा भूमि पूजन होगा या टायरिंग के लिए दोबारा भूमि पूजन होगा? तो ऐसे ऐसे वो ओछे काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोचने की शक्ति क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम जो कुछ आदर्श हैं, राजनीति के कुछ असूल हैं, उनका भी पालन होना चाहिए। अब हाल ही में वो बीर ब्रिगेड़ा में गए और वहाँ पे जो 2 मॉडर्न स्कूल बने हैं, एक प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो MLA का प्रेरोगेटिव है। MLA की कंसेंट के बिना नहीं बन पाएंगे वो। ये मेरा फैसला नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का फैसला ही है। और दोनों को मैंने इन राइटिंग देख के उनको मंजूरी दी है, लेकिन वहाँ पे अपने भाषण में कहा कि दोनों को मैंने बनवाया है। अब आप हैरान होंगे कि इतना झूठ बोलना, यहाँ तक चले जाना, ये किस मानसिकता का प्रतीक है? ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, अगर उनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है भूमि पूजन करने का या शिलान्यास करने का, तो मैंने अपनी निधि से MLA फंड जो है, मैंने लगभग 10-12 शमशान घाट की शेड के लिए, बस शमशान घाट बनाने के लिए पैसा दिया है। मेरी उनको खुली ओपन इनविटेशन है कि वहाँ जाके भी वह भूमि पूजन और शिलान्यास करके आ जाए। सोलन जिले के औद्योगिक नगरी बद्दी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। स्वराज माजरा गुजरा क्षेत्र में स्थित एक पुरानी फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह घटना रात करीब 2 बजे के आसपास घटी, जब वे सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। जानकारी के अनुसार बरसात के दौरान फैक्ट्री की 7 मीटर ऊंची लगभग 60 से 70 फुट लंबी दीवार एकाएक ढह गई, जिससे उसके समीप में बनी झोपड़ियों में सो रहे परिवार उसकी चपेट में आ गए। यह फैक्ट्री अरसे से बंद पड़ी थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मृतकों में अशरफी, उसके 2 बच्चे सलेश और प्रीति, संतोष और उसकी पत्नी माया, आशा और उसके 2 मासूम बच्चे शामिल है। ये परिवार उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके के रहने वाला था और बद्दी में मजदूरी कर आजीविका कमा रहा था।
इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों में 35 वर्षीय अशोक, मृतक अशरफी लाल का 6 वर्षीय पुत्र करण सिंह, अशरफी लाल की 10 वर्षीय बेटी, 38 वर्षीय सावित्री, 5 वर्षीय अनमोल, 12 वर्षीय अंजलि, 10 वर्षीय सनी शामिल हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निवासी हैं। औद्योगिक नगरी में हुए इस हादसे ने प्रशासन की सुरक्षा संबंधी दावों की पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार जिस फैक्ट्री की दीवार ढही वह कई सालों से बंद पड़ी थी। फैक्ट्री का भवन खस्ता हालत होने के बावजूद इसके इर्द गिर्द झोंपड़ियां बसाई गई और प्रशासन ने कोई कार्यवाही तक नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी। सुंदरनगर के ललित नगर की जनता रिहायशी एरिया व स्कूल के नजदीक शराब का ठेका नियमों के विपरीत खोलने को लेकर भारी आक्रोश में है। इसी कड़ी में महिलाओं, स्कूली बच्चों व नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। सुंदरनगर के ललित नगर की जनता शराब के ठेके को शिफ्ट करने की मांग पर अडिग है। इस अवसर पर महिलाओं ने एसडीएम को मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी धारा 133 के तहत कार्यवाही अमल में लाने का आग्रह किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अरुण शर्मा, महिला नेत्री अर्पणा जम्वाल, पूर्व पार्षद कृष्णा देवी ने बताया कि शराब के ठेके को लेकर विभागीय पैमाइश की रिपोर्ट भी आ गई है। ठेके के दायरे में हनुमान मंदिर, पीपल का पेड़, स्कूल समेत रिहायशी कब्जा है। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया है कि यहां से शराब के ठेके को तत्काल प्रभाव से अन्य जगह के लिए शिफ्ट किया जाए, अन्यथा ललित नगर की जनता किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसके लिए प्रशासन व विभाग जिम्मेवार होगा। वहीं एसडीएम का कहना है कि ललित नगर की जनता का एक प्रतिनिधिमंडल शराब के ठेके को शिफ्ट करने के लिए मिला है। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर होगा, उसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज वार्ड नंबर 2 और 5 के ये महिला शक्ति साथ में पुरुष भाई सभी लोग एकत्रित हुए हैं, साथ में यहाँ सेंट मेरी स्कूल के बच्चे भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अवैध शराब का जो एक ठेका खोला गया है, इससे पहले भी यहाँ साथ में ही था, उसे तो यहाँ से उठा दिया गया प्रशासन के द्वारा, परंतु साथ में ही सारे नियमों की अवहेलना करते हुए जो ठेका यहाँ खोला गया है, जिससे कि आम पब्लिक परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और जिससे हम कहते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो गई है। आज हम सब एकत्रित हुए और हमें 133 के तहत, सीआरपीसी के तहत हमने एक दावा जो है माननीय एसडीएम साहब के पास प्रस्तुत किया है, क्योंकि एसडीएम साहब कई दिनों से अपने हाथ खड़े कर रहे थे कि मेरे पास कोई भी कार्यक्षेत्र अधिकार नहीं है कि मैं इस ठेके को यहाँ से उठा सकूँ। तो 133 का जो हमने ये दावा माननीय एसडीएम साहब के पास दिया है, जिसके तहत पब्लिक न्यूसेंस जो यहाँ हो रही है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो इसके खिलाफ जो कार्रवाई एसडीएम साहब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सुंदरनगर। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में स्थानीय लोगों पर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। यह धारा पूरे पर्यटन सीजन में 2 माह तक रहेगी। हालांकि यह धारा पर्यटकों पर लागू नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पर्यटन नगरी मनाली में स्थानीय लोगों पर जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। प्रशासन के इस रवैये से पर्यटन नगरी मनाली के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एसडीएम मनाली पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में नाकामयाब हो रही हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत यहां से ट्रांसफर किया जाए। गौरतलब है कि गत दिन यहां पर मनाली के 2600 टैक्सी ऑपरेटरों के करीब 8000 सदस्यों ने मनाली में पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया था। टैक्सी ऑपरेटर भड़क उठे और पूरी तरह से चक्का जाम करके हजारों पर्यटकों को मनाली में ही फंसा दिया था। दरअसल यह चक्का जाम हिम आंचल टैक्सी यूनियन मनाली की रोहतांग जाने वाली 1800 टैक्सियों को प्रशासन द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के विरोध में किया गया था। इस दौरान सरकार व प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। चक्का जाम के कारण हजारों पर्यटक कुल्लू से मनाली व मनाली से रोहतांग के बीच में फंस गए थे। एसडीएम मनाली एचआर बेरवा ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि गत रात्रि मनाली में पैदा हुए गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी है।
उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि देश व दुनिया से मनाली में आ रहे पर्यटक यहां की वादियों में घूमने का आनंद उठा सकें। प्रशासन ने हालांकि टैक्सी यूनियन की सभी जायज मांगों को मान लिया है, लेकिन फिर भी यूनियन शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा करती है तो उसके विरुद्ध IPC और CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। SDM ने कहा कि NGT के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। SDM ने कहा कि ऑपरेटरों की मांगें पहले ही मान ली गई थी, लेकिन गलतफहमी के चलते यह हालात पैदा हुए हैं, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। ब्लैकलिस्ट वाहनों को बहाल किया जा रहा है। ब्लैकलिस्ट वाहनों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इसमें समय लग गया है। ऑनलाइन परमिट की समय सारिणी में फेरबदल कर दिया गया है। अब वाहन चालक दिन के 12 बजे और रात्रि 12 बजे रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। SDM ने कहा कि लाहौल स्पीति और लेह के लिए पर्यटक ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि लाहौल व लेह के नाम पर रोहतांग का परमिट न निकालें, अन्यथा प्रशासन कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, कुल्लू। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार देश में 98% बारिश होने का अनुमान है। इस बार बादल सबसे ज्यादा मध्य भारत को भिगोएंगे, जहां 100% बारिश होगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार मानसून ज्यादा रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक KJ रमेश ने कहा है कि लंबी अवधि के दौरान देश में औसतन 98% बारिश होने का अनुमान है। अल नीनो का प्रभाव कम होने के चलते ऐसा हुआ है। लंबी अवधि में जुलाई में 96% बारिश होगी, वहीं अगस्त में 99% तक बारिश हो सकती है। रमेश के मुताबिक लंबी अवधि के दौरान मध्य भारत में 100%, पश्चिम और उत्तर भारत में 96 और दक्षिण प्रायद्वीप में 99% बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 96 से 100% बारिश को सामान्य माना जाता है, वहीं 100 से 104% बारिश को सामान्य से ऊपर माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 2 दिन पहले यानी 30 मई को ही केरल पहुंच गया था। इसके 8 जून तक गोवा में पहुंचने की उम्मीद है। 13 से 14 जून तक यह मुंबई, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार और झारखंड पहुंच जाएगा। हालांकि मानसून दिल्ली में कब तक दस्तक देगा, इस पर मौसम विभाग ने कुछ नहीं कहा है। सामान्यतः दिल्ली में मानसून 29 जून तक पहुँच जाता है। रमेश के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से इसके और जल्दी पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV। हिमाचल आईडी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार TV के साथ।